दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आदर्श टीचिंग सेंटर पे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो संख्या ज्ञात करना है जिसमें आपको कुछ कंडीशन दिए हुए हैं कि योग इसका 27 होगा और गुणनफल 182 होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक संख्या मानेंगे, ठीक है, और इससे एक दूसरा संख्या भी ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। सबसे पहले इसमें से एक संख्या मानेंगे, पहले कुछ एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो माना पहली संख्या बराबर एक्स। ध्यान देंगे यहाँ पे कि पहली संख्या एक्स हमने माना है। ठीक है, पहली संख्या एक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो जोग यहाँ पे यानी जोड़, दोनों संख्या को अगर जोड़ते हैं तो 27 मिलता है। ध्यान देंगे कि दोनों संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 27 मिलता है, और इसमें से एक हो गया एक्स, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? तो एक्स इसमें से निकल गया तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा समझेंगे, ऐसे निकालेंगे, दोनों पर को जोड़ने पर 27 आ रहा है, तो उसमें से हमने एक्स निकाल लिया तो दूसरा क्या बचेगा? 27 माइनस एक्स। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया हो तो ऐसे मान लीजिए किसी दो व्यक्ति के पास मिलाकर टोटल 27 रुपीज़ है, और उसमें से मान लीजिए 10 रुपया निकाल लिया गया। ठीक है, तो शेष कितना दूसरे के पास बचेगा? तो 27 में से जो 10 घटा के बचेगा यानी 17 होगा, वही ना जो है दूसरे के पास बचेगा। ठीक है, चलिए ऐसे बनाएंगे, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स होगा। अब अगला जो कंडीशन दिया हुआ है, गुणनफल 182 हो। ध्यान देंगे, गुणनफल 182 हो, हम उसके कंडीशन से बनाएंगे, प्रश्न से गुणनफल बोला जा रहा है, तो हम यहां पे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इजकल टू 182। दोनों को गुना करने पर 182 आना चाहिए, तो दोनों को गुना हमने कर दिया तो 182 होगा। चलिए आगे सोल्व करेंगे, तो x से 27 में गुना होगा, फिर x से माइनस एक्स में गुना होगा। तो x में करिएगा 27 से गुना, तो 27 एक्स हो जाएगा। अभी प्लस माइनस माइनस होगा, x से x में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, और ये जो है 182 है, प्लस में है उधर, तो आके इधर जो है माइनस में 182 और बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम एक द्विघात समीकरण के मानक रूप में व्यक्त करेंगे। पहले तो एक्स को बाहर करिए, एक्स को पहले एक्स स्क्वायर को पहले बाहर लाएंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे जब माइनस कॉमन होता है बाहर, तब जो है अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये माइनस में था, प्लस में हो गया, तो ये जो है प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 27x, और ये माइनस 182 क्या हो जाएगा? प्लस 182 बराबर 0। चलिए ये माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसको जो है ना, हम फैक्टर मेथड से क्या करेंगे कि बीच वाले टर्म को दो पार्ट में तोड़ेंगे और फिर जो है इसका मूल निकालेंगे। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर गुना करेंगे एक्स स्क्वायर और 182 को, यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर गुना 182, तो ये जो है 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 182 एक्स स्क्वायर रहेगा। अब इसे दो टर्म में तोड़िएगा, तो ऐसे तोड़ते जाएंगे, तो एक से करेंगे तो 182, दो से तोड़ेंगे तो 91, ऐसे जाएंगे आगे तोड़ते तोड़ते, तो ये जो है 13 और 14 में जा कर के टूटेगा। ठीक है, देखिएगा 14 3 42 और 14 4 18, ठीक है 182 आ जाएगा, यानी 13 और 14 माइनस में अगर हम करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 27 आ जाएगा, यानी हमें 27 ही लाना है। तो क्या करेंगे, 13 और 14 में इसको जो है डिवाइड कर देंगे,
तो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x और माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कॉमन करेंगे, x कॉमन होगा तो x माइनस यहाँ 13 बचा, फिर यहाँ से माइनस 14 कॉमन करिएगा तो x बचा और यहाँ माइनस 82 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के जगह यहाँ पे देखिए चिन्ह जो है उल्टा होगा, माइनस जब बाहर निकाला गया है तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, तो माइनस 13 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 13 और एक हो जाएगा x माइनस 14, चलिए बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 है तो यहाँ से हम करेंगे x माइनस 13 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 13, फिर x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा। देखिए दोनों जो है धनात्मक है और क्वेश्चन में ऋणात्मक या धनात्मक ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो दोनों जो है आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यदि पहली संख्या बराबर 13 तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका 14 होगा। दूसरी संख्या 27 माइनस 13 यानी 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर दूसरा कंडीशन अगर बात करें यहाँ पे, यदि या पहली संख्या, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है एक्स का मान पॉसिबल है, तो पहली संख्या अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगा, 13 हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फाइनली जो है आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए चार नंबर आप प्रश्न देखेंगे। फाइनली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कि दो कर्मागार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक की यहाँ पे बात कहा जा रहा है, वो भी कर्मागत यानी लगातार। ठीक है, अगर लगातार का मतलब हुआ एक आया तो एक के बाद दो तीन ऐसे करके संख्या होना चाहिए। ठीक है, लगातार होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि इसमें से एक मान लेते हैं एक संख्या, तो दूसरा क्या होना चाहिए, अगले के लिए एक जोड़ना पड़ेगा, दूसरे के लिए दो जोड़ना होगा, तीसरे के लिए तीन जोड़ना होगा, चौथे के लिए चार जोड़ना होगा, तब जाकर के ऐसे कर्मागत होता है, क्रम से यानी लगातार होता है। बिल्कुल ठीक है ना, और उसके बाद बोला जा रहा है कि वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग अगर जोड़ देते हैं, उसके वर्ग करके उसका जो है जोड़ते हैं तो 365 आएगा ना। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, स्क्वायर निकालेंगे तो 365 आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं। ठीक है, माना पहली धनात्मक संख्या बराबर x। ठीक है, पहली धनात्मक संख्या x हो गया। अब लगातार की बात हो रहा है यहाँ पे क्रमागत, तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी धनात्मक संख्या। ठीक है, धनात्मक की बात हो रही है यहाँ पे, तो x प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, दूसरी हो गया x प्लस 1। अब यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्या बोला जा रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो, वर्ग करके अगर जोड़े तो 365 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न से देखेंगे, वर्ग करना है तो x का वर्ग, तो x स्क्वायर हो गया, जोड़ना है, योग बोला जा रहा है तो जोड़ देंगे यहाँ पे, फिर x प्लस 1 का वर्ग करेंगे स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, बराबर में 365 होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब सोल्व करेंगे x स्क्वायर। अब देखिए ये जो आता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या होगा, x स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस 2ab, तो जैसे यहाँ पे हम गुना करें 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू एक्स और इंटू 1 हुआ, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ओके, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 इजकल टू 365। ठीक है, 365। अब क्या करना है आपको, इस जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर होगा प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ ये देखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 से 365 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा,
364 हो जाएगा। एक से एक में से 365 घटाएंगे तो माइनस में 364 हो जाएगा। अब देखिए द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ चुका है, तो अब इसके रूल से हम बनाएंगे। चलिए अभी यहाँ पे दो सब में कॉमन किया जा सकता है, तो दो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ पे बचेगा 182। इसके आधा करेंगे तो 364 का आधा 182 होता है, बराबर 0। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, अभी दो तो बट्टा में जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब इसको जो है दो टर्म में तोड़िए, बीच वाले को दो टर्म में तोड़ेंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 182 को पहले वाले क्वेश्चन में हमने तोड़ा था तो कितना आया था, 14 और 13 में टूटा था। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी 14x में से अगर हम 13x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1x आ जाएगा। ठीक है, अगर गुना करेंगे 14 से 13 में तो 182 भी आ जाएगा, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म का गुणनफल आना चाहिए, बराबर माइनस 182 बराबर 0 होगा। चलिए इधर देखते हैं, अब इधर से दो दो टर्म से कॉमन हम कर लेते हैं, तो x कॉमन होगा इसमें से, x कॉमन होगा तो बचेगा क्या, x प्लस 14, फिर उसके बाद माइनस 13 कॉमन करेंगे, माइनस 13 और हो गया यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 14 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इस दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब दोनों के बराबर 0 है भाई, दोनों के बराबर में 0 पुट करके जो है इसका वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 13 बराबर क्या होगा, 0, और x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि x प्लस 14 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए, तो इसको लिख देंगे, असंभव लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए यानी आपका आंसर जो होगा इससे निकलेगा। ठीक है, इसीलिए पहली संख्या बराबर 13 हो जाएगा और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 प्लस 1 यानी 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 13 और 14 आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा होगा, इस समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 cm कम है और कर्ण 13 cm है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। चलिए इस झुके हुए भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, जो कितना दिया है 13 cm दिया हुआ है। नीचे वाले को आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं नीचे वाले को। ठीक है, ये बेस हो गया और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए या इसे ऊंचाई भी बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, इसे ऊंचाई भी बोलेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 cm कम है। ठीक है, जितना आधार होगा उससे जो है 7 cm कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। एक ट्रिक है कि जिसके आगे से लगा हो तो उसको क्वेश्चन में पहले माना जाता है। ठीक है, तो आधार के आगे से लगा हुआ है तो उसे आप पहले मान लीजिएगा। माना, ठीक है, माना समकोण त्रिभुज की, माना समकोण त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर 1 cm। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज का आधार मानेंगे 1 cm, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहां पे देखेंगे कि ऊंचाई क्या होगा,
ऊंचाई जो हो जाएगा आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब कर्ण बोला जा रहा है कि 13 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब आप याद करिए कि समकोण त्रिभुज में रिलेशंस जो होता है, कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो उस फॉर्म को हम यहाँ पे लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पे, तो कैसे बनेगा ध्यान देंगे प्रश्न से यहाँ पे हम बनाएंगे एच स्क्वायर, ठीक है ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले पी जो है रखते हैं एक्स माइनस सात, एक्स माइनस सात का होल स्क्वायर प्लस b क्या है यहाँ पे आधार यानी x है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, यानी कर्ण जो आपका है 13 है, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे x स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू सेवन, तो कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, माइनस 14x प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 होगा, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x और प्लस 49 और इधर माइनस में आ जाएगा 169, माइनस 169 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x और घटेगा 49 से 169 तो माइनस 120 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दो कॉमन करेंगे यहाँ से, तो दो कॉमन होगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0 होगा, ठीक है ना। चलिए ये दो इधर जाके बट्टा में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो है जो लास्ट बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, यही जो है द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम बना देते हैं, अब इसको तोड़ेंगे अगर 60 को, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस 60x स्क्वायर रहेगा, ठीक। तो इसको अगर तोड़ते हैं आप यहाँ से ऐसे 60 को तोड़िएगा, तो तरीका ये है कि 1 से 60 होगा, 2 से 30, 3 से अगर करते हैं तो 20, 4 से 15 ऐसे करके तोड़ेंगे, 5 से 12 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब सबका जब हम डिफरेंस और यहाँ पे जोक करेंगे तो इससे यहाँ तक जो है नहीं आने वाला है, लेकिन 5 और 12 का जब हम डिफरेंस देखेंगे तो 5 और 12 का डिफरेंस क्या होगा माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 और 12 में जो है ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या लिखा जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे रखेंगे 12x माइनस सॉरी प्लस लिखिएगा, ठीक है, 5x से 12x घटाएंगे माइनस 7x होगा। अब ये जो है आसानी से कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से अगर x कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 12 प्लस 60 में 5 है, ठीक है ना, 5 गुना 12, तो 5 कॉमन करेंगे तो 5 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। x माइनस 12 और एक हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 12 हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस 5। अब यहाँ पे माइनस में जो आ रहा है तो बात करेंगे यहाँ पे कि किसी भी चीज़ की संख्या हो माप हो तो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि अब माइनस 20 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ना है तो माइनस में यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे माप कभी माइनस में नहीं लेंगे, तो ये जो है आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर आपका जो होगा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिख देते हैं आधार बराबर जो हो जाएगा आपका x माना गया है यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर
और ऊंचाई जो होगा इससे 7 सेंटीमीटर कम होगा, यानी 12 माइनस 7 सेंटीमीटर अर्थात 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।